हाय एवरीवन, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत भारत सरकार की ओर से सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपया दिया जा रहा है। दोस्तों, इसमें से लगभग सारे किसानों को अभी 14 किस्त यानी 14वां इंस्टॉलमेंट का इंतजार है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि पीएम किसान सम्मान निधि का 14वां किस्त किस डेट को जारी किया जाएगा और इसका लाभ किन किन किसानों को दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आगे भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को pmkisangovernment.in के पोर्टल पर ओपन होना होगा। यदि आप लोग इस पोर्टल पर डायरेक्ट ओपन होना चाहते हो तो मैं इसी वीडियो के डिस्कशन में लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट ओपन हो सकते हो। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे दोस्तों, पीएम किसान गवर्नमेंट की पोर्टल पर ट्विटर के माध्यम से यहाँ किसानों को ट्वीट करके कहा गया है कि सरकार की कुछ गाइडलाइन को अब किसानों को पालन करना होगा, इसके बाद ही हम लोग यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि का 14वां किस्त का लाभ ले पाएंगे। तो अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सरकार की ओर से हम लोगों को क्या क्या गाइडलाइन को पालन करना होता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, हमारा यहां फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि अपने जमीन दस्तावेज अपलोड करें, यानी आपका अगर लैंड सीडिंग की स्थिति खराब है दोस्तों तो सबसे पहले आप लोगों को लैंड सीडिंग सुधारने की आवश्यकता है। इसको सुधारने के लिए हम लोगों को पर्चा का जेरस देना पड़ेगा दोस्तों, खजाना रसीद का जेरस देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हम लोगों को अपने आधार कार्ड की छाया प्रति और अपना बैंक पासबुक का एक कॉपी छाया प्रति उसको अटैच करना होता है। इसके बाद हम लोगों का लैंड सीडिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है अपने आधार को सक्रिय बैंक खाते से लिंक करें, यानी अगर हमारा बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है दोस्तों तो हम लोगों को अपनी शाखा के माध्यम से अपना खाता में यानी अपना पासबुक में आधार कार्ड को लिंक कराना होता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इसको लिंक करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो इसको लिंक करने के लिए हम लोगों की शाखा में ही एक फॉर्मेट हम लोगों को दिया जाएगा दोस्तों, उसमें हम लोगों को पासबुक की छाया प्रति और आधार कार्ड की छाया प्रति, इसी के साथ साथ हम लोगों को एक पासपोर्ट साइज का फोटो को भी अटैच करना होता है। इतना करने के बाद हम लोगों का यहां से बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को बताया गया है अपनी ई केवाईसी को पूरा करें, यानी सरकार की ओर से इस प्रक्रिया को कितने दिनों से चलाया जा रहा है दोस्तों। यदि आप लोग अभी तक ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी नहीं किए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी कर लें। हम लोगों को इतना सारा प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही अब हम 14वां इंस्टॉलमेंट का लाभ ले पाएंगे। तो अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इतने सारे प्रक्रिया हम लोगों का सही है या फिर गलत है। अगर हम गलत है इसके बाद ही हम सुधार करेंगे, यदि हमारा सही है हर चीज़ तो हमको सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं दोस्तों कि हमारा इतना सारा प्रक्रिया यहाँ पर हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अब इसको चेक करने के लिए हम लोगों को फिर से यहाँ पीएम किसान गवर्नमेंट के पोर्टल पर ओपन हो जाना है। इसके बाद हम लोगों को नीचे की तरह स्क्रॉल करना है दोस्तों। अब जैसे ही हम लोग यहाँ नीचे की तरह स्क्रॉल किया दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पर एक बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम लोगों को सिंपली यहीं पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, अब हम लोगों के सामने कुछ नेक्स्ट पेज जिस तरह से ओपन होकर आ गया। अब हम लोगों को जहाँ पर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देनी होती है। यदि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है दोस्तों तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जहाँ पर कनो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं दोस्तों, या फिर अपना आधार नंबर के माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं। तो फाइनली हम लोग आधार नंबर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को निकालेंगे दोस्तों। आधार नंबर के थ्रू निकालने के लिए आधार नंबर पर यहां पर क्लिक कर देना होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों को यहां पर
अपने आधार नंबर को टाइप करना होता है, और इसके बाद ये कैप्चा जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कैप्चा को यहाँ पर हम लोगों को फिल करनी होती है, और इतना करने के बाद हम लोगों को गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। तो जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक कर दिया दोस्तों, अब हम लोगों का उस रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक ओटीपी चला जाता है। उस ओटीपी को हम लोगों को जहाँ पर मोबाइल ओटीपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को टाइप कर देना होता है, और इसके बाद हम लोगों को गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही गेट डाटा पर वहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, तो फाइनली हमारा वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शो होने लगता है। अब इतना करने के बाद हम लोगों को जहाँ पर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप कर लेना होता है। अब इतना करने के बाद इसके बाद जहाँ पर ये कैप्चा दिखाई दे रहा दोस्तों, इस कैप्चा को हम लोगों को यहाँ पर फिल करना होता है, और इसके बाद हम लोगों को गेट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही गेट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो फाइनली हमारा यहाँ नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ गया। अब हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स को यहाँ पर देख सकते हैं, यानी जितने भी वहाँ पर आप लोगों को बताया दोस्तों, सभी ऑप्शन को यहाँ पर हम देख सकते हैं। जहाँ पर एलिजिबल स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पर जैसे मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि लैंड सीडिंग आप लोगों को अगर इस तरह से अगर आपका है दोस्तों, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट है, यानी सही है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर आधार कार्ड यदि बैंक अकाउंट में हम लोगों का लिंक है दोस्तों, तो हम लोगों को कुछ इस तरह देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद हम लोगों को अगर अपना EKYC सक्सेसफुल किया हुआ है दोस्तों, तो हम लोगों को यहाँ पर भी इस तरह से ऑप्शन कुछ देखने के लिए मिल जाती है। यदि हमारा ये तीनों प्रक्रिया पूरी तरह से सही है दोस्तों, तो हम लोगों को किसी भी चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप लोगों का लैंड सीडिंग में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है दोस्तों, यानी अगर ये परफेक्ट नहीं है, तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन जहाँ पर सही वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगी। इसी तरह आधार कार्ड अगर आपका बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है दोस्तों, तो यहाँ भी आप लोगों को इस तरह से देखने में मिलेगी। इसके बाद EKYC यदि सक्सेसफुल आपका नहीं है दोस्तों, तो यहाँ भी आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगी। तो इसी तरह हम यहां से अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं दोस्तों, और सारी प्रक्रिया को यहां पर पूरा भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि के 14 किस्त यानी 14वां किस्त के बारे में। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये किस्त हम लोगों का ऑलरेडी 15 जून 2023 को ही जारी कर दिया जाने वाला था, लेकिन अभी तक ये किस्त को जारी नहीं किया गया दोस्तों। अनुमान लगाया जा रहा है कि 21 जून 2023 को इंटरनेशनल योगा डे इवेंट है, इसमें देश विदेश के काफ़ी सारे लोग इस इवेंट में जुड़ते हैं। तो अनुमान के मुताबिक इसी दिन को हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का 14 किस्त यानी 14वां किस्त को भी जारी कर दिया जाएगा। और अगर पीएम किसान सम्मान निधि के 14 इंस्टॉलमेंट को लेकर के कोई भी अपडेट आता है दोस्तों, तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से ही हम आपकी राय को जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।